सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और आप करते क्या हैं? मैं पृथ्वीराज बस के मैं शिव संग्राम मैं जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष का कारोबार देखता हूँ। सर, ये कल अंधेरी ईस्ट MIDC कामगार हॉस्पिटल में आग लगी, जिसकी शिकायत आपने विभागीय परिमंडल जोन के 10 के अधिकारी नवीन रेड्डी को एक शिकायत पत्र दिया है, क्या है वो मामला? देखिए, जो परसों आग लगी है MIDC हॉस्पिटल में, काफी भयानक प्रकार की वो आग थी। इसमें 6 लोगों की अब तक जान गई है, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी है और 28 लोग काफी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। 150 के आसपास एडमिट अभी तक है, इसमें 28 की कंडीशन अभी भी काफी गंभीर है। ये आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था, परंतु फायर के जो डेप्यूटी चीफ ऑफिसर है ओगले साहब, उन्होंने 15 दिन पहले ही उस बिल्डिंग को नोटिस दी थी कि उनके जो फायर के इक्विपमेंट्स है वो नियम के हिसाब से नहीं है और काफ़ी उसमें गलत चीज़ें हैं, उसको ठीक किया जाए। उसकी फायर एजेंसी रिजेक्ट की थी, उसके बावजूद उस हॉस्पिटल ने ऑपरेट चालू रखा हॉस्पिटल का, और उसके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो हॉस्पिटल चालू नहीं कर सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण उनके पास फायर की एनओसी रिजेक्ट हुई थी। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी उन्होंने हॉस्पिटल चालू रखा, और जो पेशेंट्स है जो अपनी जान बचाने के लिए इसलिए हॉस्पिटल में जाते हैं, और उनकी जान से खिलवाड़ करने का प्रयास वहाँ के मैनेजमेंट ने किया है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट पे आती है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और जो मुंबई महानगर पालिका, वो उस पर एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमने मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से बात की, आपने कैसे ऑपरेट करने दिया, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उन पर कार्रवाई करने का, वो आपसी हमसे बड़े कोई स्टेट है, वो ऐसा है, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, और ये पूरी जिम्मेदारी उस मैनेजमेंट की आती है। इसके कारण 6 निष्पाप लोगों की जान चली गई। हमने DCP जोन 10 नवीन चंद्र रेड्डी से मांग की है कि तुरंत इन पर गुना दाखिल किया जाए और जो भी इसमें आरोपी उनको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की मांग की है। सर, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरी घटना की लापरवाही के जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? इसके लापरवाही पूरी से पूरी जो हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है, जो एडमिन स्टाफ है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर हॉस्पिटल चालू किया था। उन्होंने किसी से परमिशन नहीं लिया था, ना कंसर्न मंत्री से या कंसर्न अथॉरिटी से। ये पुलिस की पूरी उनकी जिम्मेदारी है, उनको रुकना चाहिए था ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने के लिए और फायर NOC आने के लिए। अगर वो हो जाता तो इस प्रकार की घटना नहीं घट सकती थी और काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी, पर ये उन्होंने किसी की परवाह ना करके अपना एक तरफा निर्णय लिया है, जिसके कारण ये घटना घटी, और उन पर कार्रवाई किसी भी तरह से होनी चाहिए, हमारी मांग है।